पहले तो ये मालूम पड़े कि बीजेपी की प्लानिंग आखिर थी क्या, तो जिस पे पानी फेरा गया है। तो मुझे लगता है कि वो सबके सामने है और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि क्या प्लानिंग थी। और भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग अब तो तैयार होती है। अब वो कोई छोटा सा बच्चा भी जिसको राजनीति का ABCD आता है, वो भी समझता है कि इनकी प्लानिंग क्या होगी और ये क्या प्लानिंग कर सकते हैं और इनकी क्षमता क्या है प्लानिंग करने की, और इनके दिमाग में जो कीड़े कुलबुलाते हैं वो प्लानिंग क्या कर सकते हैं। तो वो चीज़ें सब सामने हैं कि वो ये इनकी हद जो है प्लानिंग करने की यहाँ तक है, और उसका जवाब जो है वो राहुल गांधी किस तरीके से दे रहे हैं। देखिए, एक राष्ट्र, एक विधान और एक यूनिफॉर्म हो जाने क्या, एक भाषा, ये सब करने वाले जो हैं तो ये समझ नहीं सकते कि ये देश जो विविधताओं का देश है, ये देश कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक विविधताओं से भरा हुआ है और एक है। तो ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक देश वाला नहीं है, ये एक भाषा वाला नहीं है। यहाँ कोस कोस पे पानी बदले हो और चार कोस पे पानी जो है ये यहाँ की पुरानी रवायत है। तो जो लोग ये नहीं समझते हैं कि जहाँ कोस कोस पे पानी बदले चार कोस पे पानी जो है, तो वो जो एक एक राष्ट्र, एक देश, एक संविधान और एक विधान क्या जो सब नारा अपना देते रहते हैं, तो वो इन सब चीज़ों को समझ भी नहीं सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने जो प्लानिंग तैयार की है या कांग्रेस ने जो प्लानिंग तैयार की है, वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाली है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उससे परेशान भी है और इसलिए उसे सूझ भी नहीं पा रहा है कि वो इस यात्रा का मुकाबला करे कैसे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा है। अब भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी सब चीज सामने निकल जाती है, लोग कहने लगते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग तस्वीर यही। तो अब ये भारत जोड़ो यात्रा पे सवाल कैसे उठाएं, अब राहुल गांधी पे क्या अटैक करें। भाई राहुल गांधी जब जनता से आगे मिल रहे हैं तब जो कुछ अटैक करते हैं तो जनता खुद सवाल पूछने लग जाती है इनसे कि भाई आपने किया क्या ऐसा कुछ जो राहुल गांधी पे आप सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के कुल मिलाकर के सामने आ रही हैं। एक अच्छी बात ये हुई है राजीव जी कि EVM की चर्चा पहले हम लोग किया करते थे, राजनीतिक दल करते थे, चुनाव में हारे हुए लोग करते थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज चुनाव से पहले EVM की चर्चा जो है हमारे मुख्य चुनाव आयोग को उन्होंने शुरू कर दी है। तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं राजीव कुमार जी, उनको लख लख बधाई। EVM की चर्चा उन्होंने शुरू की, मुझे लगता है कि पूरे चुनाव में इसकी चर्चा जो है वो होती रहेगी जब तक कि इसके परिणाम नहीं आ जाते हैं। तो अब चुनाव आयोग के सामने जो है वो निष्पक्ष होने नहीं बल्कि निष्पक्ष दिखाई देने की भी अब चुनौती एक तरीके सामने है। जहाँ ये चुनाव जो है वो जैसा प्रशांत जी कह रहे थे कि मोदी जी के लिए जो है बहुत चुनौती वाला है और मोदी जी जो है कैसा होगा, तो सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं है, ये चुनाव आयोग के लिए भी जो है बहुत जबरदस्त जो है वो चुनौती है इसको संपन्न कराना और ये दिखाई दे मतलब दे ये चुनाव जो है एकदम निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। क्योंकि जब बात हो रही थी कि भाई हिमाचल के साथ आपने घोषणा क्यों नहीं की, जब आपको 8 दिसंबर को ही काउंटिंग करानी थी, तो आखिर क्या कमी रह गई थी आपसे तैयारी में, क्या हमारा चुनाव आयोग नाकारा है जो 2 राज्यों के चुनाव की एक साथ तैयारी नहीं कर सकता, ऐसा तो लगता नहीं है। क्योंकि अगर नाकारा होता तो फिर एक ही साथ जो है काउंटिंग की घोषणा नहीं होती फिर दोनों राज्यों में, इसका मतलब सक्षम है चुनाव आयोग, तो फिर आखिर घोषणा पहले क्यों नहीं की गई। जी अब सवाल यही आता है तो जवाब यही मिलता है कि ये जो है इस मतलब चुनाव क्या आप इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी का जब वहां गुजरात का दौरा संपन्न हो जाए तब आप जो है वो चुनाव की घोषणा करें, तो वो सामने आ गया है। तो अब मुझे लगता है कि चुनाव के सामने जो है और भी एक जबरदस्त संकट आ गया है। अब जैसे राहुल लाल जी कह रहे थे कि भाई अगर ये लोग कह रहे हैं कि पहले चुनाव की घोषणा हो जाती तो मोलवी का दाग जो है ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं लगता, चुनाव आयोग के ऊपर लग जाता। तो मुझे लगता है कि लोग अब फिर जो है इसका हमारे प्रातः स्मरणीय प्रधानमंत्री हैं उनका वो बंगाल वाला वीडियो शेयर करेंगे, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है या एक्ट ऑफ क्या एक्ट ऑफ गॉड है। तो मुझे लगता है कि ये अब कुछ भी कहा जाए तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो ऐसी दुर्घटना है, लेकिन बहरहाल जो है ये चीजें सामने आ गई हैं, मुझे लगता है इससे भारतीय जनता पार्टी एकदम बैक फुट पे है। दूसरा राजीव जी, ये जो चुनाव है गुजरात का, मुझे लगता है कि ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के संबंधों की भी एक जबरदस्त परीक्षा होगी है, और ये जी चुनाव जो है तय करेगा कि चाणक्य और हमारे जो PM साहब हैं उनके संबंध आगे किस तरीके से कायम रहते हैं, किस तरीके से आगे चलते हैं। क्योंकि गुजरात की जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है, मुझे लगता है कि अमित शाह वहां स्वयं को साइडलाइन होते हुए देखना नहीं चाहेंगे किसी भी तरीके से, और अगर साइडलाइन देखते हुए नहीं चाहेंगे अमित शाह तो मुझे लगता है कि फिर वहां आनंदीबेन पटेल की नहीं चलने दी जाएगी। और ये
अब संघर्ष जो है ये निश्चित तौर पे अब सामने उभर करके आएगा, क्योंकि अमित शाह जी जानते हैं कि अगर वो इस चुनाव के बाद अगर किसी भी तरीके से अगर नहीं बने गुजरात के मुख्यमंत्री, तो उनके नाम के आगे पूर्व गृह मंत्री ही लगा हुआ रह जाएगा, इससे ज्यादा फिर कुछ मिल नहीं पाएगा। तो ये जो है उनके लिए भी संकट है। वो अब किस तरीके से उसकी रणनीति बनाते हैं, क्योंकि जैसा हम लोग भी चर्चा करते रहते हैं और गुजरात से भी जो लोग बैठते हैं कहते हैं कि सरकार किसी भी तरीके से हो, चाहे जीते कोई हारे कोई, सरकार तो भाजपा ही बनाएगी। तो जब सरकार भाजपा ही बनाएगी तो चुनाव के बाद फिर मुख्यमंत्री फिर अमित शाह ही बनेंगे, ये भी तय फिर मान के चला जाना चाहिए मुझे लगता है। तो ये चीजें जो है आने वाले समय में ये मतलब इस चुनाव के दौरान जो है ये भी कुल मिलाकर के तय हो जाएगा कि आगे आने वाले समय में होना क्या है, भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति जो है वो किस करवट बैठती है, और अमित शाह और मोदी जी के संबंध जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व तो है वो किस तरफ जाता है, ये भी बहुत देखने वाला दिलचस्प चीज हुई जी है। जी बिल्कुल, गुजरात बहुत कुछ दिखाएगा आने वाले समय में, लेकिन सबसे